नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिर्ची वड़ा से भी बहुत ही स्वादिष्ट स्टफ्ड कैप्सिकम के पकोड़े बनाना सीखेंगे। अगर आप इसे एक बार बनाकर खाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा, वैसे वो टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए हम सबसे पहले बैटर बनाकर तैयार करते हैं। एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले और उसमें 1.5 कप छाना हुआ बेसन ले। मार्केट में जो पैकिंग में बेसन मिलता है उसका उपयोग करोगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उसमें स्वादानुसार नमक ऐड करें, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हींग और 1/2 चम्मच अजवाइन ऐड करें। अजवाइन ऐड करने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और डाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी। मसालों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर ले। अब बेसन में आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाए और अच्छा सा गाढ़ा बैटर तैयार करें। हम जो आलू वड़ा बनाते हैं उससे भी थोड़ा थिक बैटर हमें तैयार करना है। ज़्यादा पानी का एक साथ उपयोग ना करें वरना बेसन के लम्ब्स पड़ जाएंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कि अच्छी सी गाढ़ी है। इतना बैटर तैयार करने में 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी का उपयोग किया है। अब ढक्कन लगाकर बैटर को 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। इसके लिए 5 नंग मीडियम साइज के आलू को मैंने 3 सीटी हो तब तक प्रेशर कुक कर लिया था। आलू रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो फिर उसे छील कर इस तरह से तैयार किया है। अब हाथ की मदद से आलू को बड़ा बड़ा मैश कर लेंगे। पोटेटो मैशर का उपयोग ना करें वरना जो स्टफिंग है वो बहुत ही अधिक महीन बनेगा। गैस पर एक नॉनस्टिक पैन रखें और उसमें 1/2 चम्मच तेल गरम करें। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है। तेल थोड़ा गरम हो जाए फिर उसमें 1/2 चम्मच हींग ऐड करें और 1/2 चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड करेंगे। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उसके मुताबिक आप थोड़ी कम या ज़्यादा अदरक मिर्ची की पेस्ट ले सकते हो। उसे सौते करने के बाद अब हम उसमें जो आलू को मैश करके रखा था वो ऐड करेंगे। अगर आप जैन हो तो अदरक और आलू को स्किप करके आप कच्चे केले को बॉईल करके उसे मैश करके भी इस तरह से पकोड़े बना सकते हो। आलू को हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे ताकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो थोड़ा जल जाए। अब गैस की फ्लेम बंद करें। अब आलू में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक ऐड करें। अगर आप लाल मिर्च ऐड करना नहीं चाहते तो हरी मिर्च का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं। स्टफिंग को थोड़ा खट्टा टेस्ट देने के लिए उसमें 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करें, 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला और 2 चम्मच दरदरे पिसे हुए सूखे धनिया के बीज ऐड करें। इस स्टफिंग में सूखे धनिया की फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है तो उसे अवश्य ऐड करें। अब सभी मसालों को हम आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे। आमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाले का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नींबू का रस ऐड ना करें वरना स्टफिंग है वो अधिक सॉफ्ट हो जाएगा। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हमें गैस की फ्लेम ऑन करनी है। आलू में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए फिर गैस की फ्लेम ऑन करें और उसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिला लें। 1 से 2 मिनट तक हमें उसे लो फ्लेम पर कुक करना है। इस तरह के स्टफिंग में से आप आलू वड़े, ब्रेड पकोड़े, सैंडविच या समोसे भी बना सकते हैं। अब गैस की फ्लेम बंद करके तैयार किए हुए स्टफिंग को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। पकोड़े बनाने के लिए मैंने 3 अच्छे से फ्रेश और बड़ी साइज के ग्रीन कैप्सिकम लिए है। उसे पानी से धोकर कपड़े से पोंछ कर ड्राई कर लिया है। अब कैप्सिकम को चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखकर उसमें से इस तरह की थोड़ी मोटी स्लाइस करेंगे। पतली स्लाइस ना करें वरना अंदर स्टफिंग अच्छे से भर नहीं पाएंगे। कैप्सिकम के अंदर जो बीज होते हैं वो बिल्कुल भी तीखे नहीं होते, लेकिन पकोड़े खाते वक्त अगर बीज मुंह में आएंगे तो भी अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा, इसलिए जितने पॉसिबल हो उतने बीज हम उसमें से निकाल लेंगे। जब भी आप ये पकोड़े बनाए तब अच्छे से फ्रेश हो वैसे ही कैप्सिकम ले। अगर कैप्सिकम नरम हो गए तो भी उसमें से पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह से बारी बारी हम
सभी कैप्सिकम की स्लाइस करके उसमें से बीज निकालकर तैयार करेंगे। हमने जो स्टफिंग तैयार किया था वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है, उसे कैप्सिकम की स्लाइस में स्टफ करेंगे। इस तरह के बड़े कैप्सिकम लोगे तो एक स्लाइस में करीबन 2 से 3 चम्मच जितना स्टफिंग आप भर पाओगे। स्लाइस को पलट कर हम दूसरी साइड भी उस पर थोड़ा स्टफिंग लगाएंगे। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो और इस तरह से आप कैप्सिकम के पकौड़े उन्हें बनाकर सर्व करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। इस तरह से बारी बारी हम सभी पकौड़े की स्लाइस बनाकर तैयार करेंगे। हमने जो बेसन का बैटर तैयार किया था उसमें हम 1/2 चम्मच खाने का मीठा सोडा ऐड करेंगे। जिस समय आपको पकौड़े बनाने हो उसी समय बैटर में सोडा ऐड करें और इस तरह से अच्छे से फेंट लें ताकि बैटर अच्छे से फूल जाएगा। सोडा का उपयोग अधिक मात्रा में ना करें वरना जो पकौड़े हैं वो लाल बनेंगे। स्टफ की हुई शिमला मिर्च को हम बेसन के बैटर में डीप करेंगे और चम्मच की मदद से उसके चारों ओर इस तरह से बैटर को कोट करेंगे। अगर बैटर थोड़ा सा भी पतला होगा तो तलते वक्त वो शिमला मिर्च के ऊपर से निकल जाएगा। पकौड़े तलने के लिए गैस पर एक कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रखा है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर कैप्सिकम के पकौड़े को उसमें डीप फ्राई करेंगे। तलते वक्त हमें गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रखनी है। जारा की मदद से इस तरह से थोड़ा गर्म तेल पकौड़े के ऊपर डालते जाए ताकि वो सभी साइड से अच्छे से सीक जाए। नीचे से थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर जारा की मदद से उसे पलट कर दूसरी साइड सेकेंगे। एक बार पकौड़े को तलने में करीबन 4 मिनट का समय लगता है। पकौड़े तलते वक्त बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें वरना अंदर से वो कच्चे रहेंगे। अगर आप बड़ी कढ़ाई में तल रहे हो तो एक साथ आप 2 से 3 पकौड़े भी तल सकते हैं। इसी तरह से वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए फिर उसे एक प्लेट में निकालेंगे और बाकी के पकौड़ों को भी इसी तरह से तलेंगे। जो लोग तीखा खाना कम पसंद करते हैं वो इस तरह से मिर्ची वड़ा की जगह कैप्सिकम के पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो आप भी इस रेसिपी को घर पर अवश्य ट्राई करें। पकौड़े नीचे की साइड से अच्छे से सीख जाए फिर उसे झारा की मदद से पलट कर दूसरी साइड सेकेंगे। ये पकौड़े रेगुलर पकौड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं तो तलने में भी थोड़ा समय अधिक लगेगा। सभी साइड से वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं, उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसे टोमेटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस पकौड़े को आप धनिया पुदीना की ग्रीन चटनी, खजूर इमली की मीठी चटनी या गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पकौड़े को ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए ऊपर से थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करें और उसे सर्व करें। तो दोस्तों आप भी ये कैप्सिकम के पकौड़े घर पर अवश्य बनाएं और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पकौड़े बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल पर दूसरी कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।